जनपद में 74वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह राष्ट्र प्रेम व शहीदों के बलिदान पर आधारित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल कॉलेजों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। सभी सरकारी गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ संविधान के उद्देशिका की शपथ दिलाई गई। महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का गायन किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित गोष्ठी के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को स्मरण करने का भी है, साथ में उनके कृत्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर भी देता है। इन विचारों से हम एक बेहतर गणतंत्र एवं राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से वंचित तबकों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जिलाधिकारी ने प्रजातंत्र संविधान एवं इसके मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का आह्वान भी किया। 74वां गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी का आम जनमानस में इंतजार रहता है, जब उस दिन भारत के संविधान को प्रभावी हुआ देश के लिए। इस अवसर पर मैं सभी नागरिकों को और भारत सरकार और राज्य सरकार संविधान के अंतर्गत काम करते हैं और उन्हें निर्मित करने का जो आदेश है वह अधिकार सुविधा के माध्यम है और जनता के हितों में कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों के साथ साथ वो दायित्वों का भी निर्वहन करने के लिए जागरूक हैं। अब हमारा देश जो है वो परिपक्व हो गया है, 74वां हमारे देश का संविधान लागू है, इसलिए सभी नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखा जाना ये सबका कर्तव्य है। तो